नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रियो पैरालंपिक्स में रेस के दौरान ईरानी साइक्लिस्ट की दर्दनाक मौत, प्रतिस्पर्धी की टक्कर से हुआ था हादसा। 48 वर्षीय मेहमान गुलबर्न ज़हद को ट्रैक पर गिरने के बाद पड़ा दिल का दौरा। देश का नाम रोशन करके स्वदेश लौटी दीपा मलिक, हुआ शानदार स्वागत। पैरालंपिक्स खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है दीपा। शॉर्ट पुट F53 स्पर्धा में जीता है रजत पदक। भारतीय क्रिकेट के ऐतिहासिक 500वें टेस्ट के लिए अजहर को BCCI का न्योता। कानपुर में होने वाले टेस्ट में पूर्व टेस्ट कप्तानों को सम्मानित करेगा BCCI। मैच फिक्सिंग प्रकरण में फंसे अजहर पर BCCI ने लगा रखा है प्रतिबंध। डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में हारे लिएंडर पेस और मायनेनी। राफेल नडाल और मार्क लोपेस की स्पेनिश जोड़ी ने 3-0 से दी मात। चोट की वजह से एकल मुकाबले में नहीं उतरे थे नडाल। और धोनी की बायोपिक से खुश नहीं गौतम गंभीर, बोले क्रिकेटर्स पर बनी फिल्मों में भरोसा नहीं। धोनी पर बनी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जल्द ही सिनेमाघरों में होने वाली है रिलीज। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।